नमस्कार, मैं सीए मनमोहन जिंदल फ्रॉम मुंबई। आई बी एव ए रजिस्टर्ड बैंक्योर इन सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल एक्सडीएम कैनरा। वी शैल डिस्कस टुडे प्रॉपर्टी वैल्यूएशन फॉर कैपिटल टैक्स। एक केस स्टडी। आई रिसीव्ड ए केस ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। Since I am a registered value in security and financial assets, but to serve the customer at one through, we generally contact our fellow professional to facilitate. I am not eligible to value the property. Silent feature of the case are the residential property is inherited to the customer in 1965. The property is sold in 2021 for 80,000. I have taken the notional value, not the real. The property purchase in 2021 is for 2,80,000. Sorry, here it is 2,80,000. It is written at 28 lakh by mistake. So I have also taken the notional value. Since the whole amount is invested in other residential property, the capital gain is nil. We all know. Question is whether the valuation of property is needed to value still. क्या अभी भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कराना जरूरी है? ऑन इंक्वायरी आई एम इन्फॉर्म दैट द वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड फॉर 142001 टू फाइल द रिटर्न। ड्यूरिंग द एक्सरसाइज व्हाट आई लर्नड इज शेयरिंग फॉर यू। व्हाई प्रॉपर्टी इज नीडेड टू वैल्यू फॉर वीजा व्हेन ए पर्सन is applying for visa, he need net worth and the property valuation. We all know that for bank loan, banks mortgage the property and needs the valuation for capital gain tax, for which we are discussing here in the video. Dispute in property, दोनों भाइयों में झगड़ा है, किसका property कितना है, कितना हिस्सा जाएगा, यदि वे बेच रहे हैं तो अगर एक भाई को ऐसे ही दी जा रही है हेडिट में, तो इसकी वैल्यू करानी पड़ती है और उतना हिस्सा दूसरा भाई कैश में दे देता है। कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन रुक गई, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी मान लो कोई बेचना चाहता है, हाफ कंस्ट्रक्टेड है, सो उसकी कितनी वैल्यू आएगी यदि उसका उसको सेल परचेज किया जाए। कंपनी प्रॉपर्टी सोल्ड और शेयर, यदि कंपनी की प्रॉपर्टी बेची जाती है और उसका शेयरिंग किया जाता है अमंग डायरेक्टर्स, अमंग प्रमोटर्स और अमंग अदर सम वेयर दीज आर क्लोजली हेल्ड कंपनीज और पब्लिक हेल्ड कंपनी, सो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन इज मस्ट। इन केस ऑफ आईबीसी 2016 और लिक्विडेशन और सो मेनी अदर फैक्टर्स वेयर कंपनी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर एंड मदर। अब फादर साहब ने प्रॉपर्टी बनाई 1950 में, 1965 में उनकी डेथ हो गई, 1965 में वो इनहेरिट हो गई, चलती रही चलती रही, और अब जाकर के मन हुआ कि बेच दिया जाए, तो उसका कैपिटल गेन टैक्स कैसे निकाला जाए। सो जहां तक जानकारी है कि कॉस्ट ऑफ इंडक्शन, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2001-2002 को 100 माना है। यदि उस डेट पर प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कर ली जाए तो उसके ऊपर इंडेक्सेशन होकर के वह कितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू बनेगी, आप 2012 में बेचें, 2013 में बेचें, 2005 में बेचें, 2021 में बेचें, उसी के हिसाब से उसका कैपिटल गेन बन जाएगा। यदि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 2001-2002 1 अप्रैल 2001 को 100 रुपये मान लीजिए मानी जाती है, बेस ईयर है 100, और कोई आदमी 19-20 में कोई प्रॉपर्टी बेचता है तो वो कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन का फायदा हो जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी को 2.89 गुना माना जाएगा। वैल्यूएशन की प्रॉपर्टी को क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले तो लोकेशन, उसकी लोकेशन क्या है, कॉर्नर है, हाईवे है, रोड साइड है, रोड लेंथ कितनी है, 20 फुटा है, 50 फुटा है, 100 फुटे रोड पर घर है, नियर एयरपोर्ट है या रेलवे स्टेशन है, फेमस मंदिर एटसेट्रा है, सो यदि इनकी ये लोकेशन बहुत मायने रखती है, इसके ऊपर काफी हद तक रेट बढ़ते और घटते हैं।
लीज है या फ्री होल्ड है। ग्रॉस पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है, इररिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है, या पूरी रजिस्ट्री है, या सिंपल पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है, उसके हिसाब से भी वैल्यूएशन के ऊपर अफेक्ट करता है। कच्चा मकान है या पक्का मकान है, वैल्यूएशन अफेक्ट करता है। यूज ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, क्या रेंटेड है, वैकेंट है, दबाई हुई है, कोई झगड़ालू रह आदमी रह रहा है, उसके अंदर चेंज किया है, मान लीजिए प्लान चेंज किया है, फ्लोर प्लान चेंज किया है, अप्रूव्ड प्लान चेंज किया है, तो उसके हिसाब से भी फर्क पड़ता है। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, मार्बल फ्लोरिंग है, बिल्ट अप एरिया कितना है, फ्लोर राइज कितना है, बरांडा कैसे छुटा हुआ है, सनलाइट आती है नहीं आती है, ईस्ट फेसिंग है, हवा कैसी है, क्रॉस वेंटिलेशन है क्या, और ये सब चीजें भी उसके अंदर मायने रखती है। अब कई बार क्या होता है कि ऐसे समय में प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कराने के लिए कई बार सस्ता वैल्यूअर भी ढूंढ लेते हैं लोग, परंतु उसके काफी नुकसान हो जाते हैं। सस्ता वैल्यूअर रोड साइड पर जाकर के, मकान की साइट पर जाकर के कई बार नहीं देखता और बहुत सारी चीजों से महरूम रह जाता है और बहुत सारी चीजों का नुकसान हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि रजिस्ट्री में तो ये लिखा नहीं होता कि कॉर्नर है, हाईवे है, रोड साइड तो लिखा होता है, परंतु कई बार नई डेवलपमेंट भी हो जाती है, कई बार सड़कें चौड़ी हो जाती हैं, कई बार कुछ चीजें टूट जाती हैं और पता लगा मकान सबसे आगे आ गया, उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सिंपल वैल्यूएशन का फंडा नहीं होता, कैपिटल गेन बचाने का फंडा होता है, और हमारी सही वैल्यू का पता होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए कि कितनी वैल्यू है, और प्रेजेंटेबल होनी चाहिए टू द इनकम टैक्स ऑफिसर। अदर पॉइंट्स भी ध्यान में रखने चाहिए, वैल्यूएशन इनकम टैक्स से रजिस्टर्ड होना चाहिए, वैल्यूअर आईबीबीआई रजिस्टर्ड होना चाहिए विद इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग बोर्ड ऑफ इंडिया से, जो कि न्यू स्ट्रीम चल रहा है। तीन तरह के वैल्यूअर होते हैं, एक सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। फेयर मार्केट वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन द सर्कल रेट एज ऑन 1/4/2000। इफ नो सर्कल रेट देन फेयर मार्केट वैल्यू मे बी एनी सम सब्जेक्ट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द अथॉरिटीज। कई जगह सर्कल रेट अभी तक घोषित नहीं होते हैं, सो सर्कल रेट को भी देखना बहुत। सो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपसे जो हमारे रजिस्टर्ड वैल्यूअर हैं प्रॉपर्टी के, उनसे प्रार्थना करूंगा, उनसे विनती करूंगा कि वह इन 3-4 पॉइंट्स के ऊपर अपने कमेंट और गाइडेंस मेरे मेल आईडी पर या मेरे व्हाट्सएप पर कृपया देने की कृपा करें। क्या वैल्यूएशन कंपलसरी है इन सिचुएशन में, इस जो मैंने केस स्टडी डिस्कस की फर्स्ट स्लाइड में, क्या उसके ऊपर वैल्यूएशन कंपलसरी है एज ऑन 1/4/2001? यदि हम सिर्फ सर्कल रेट ले लेते हैं, क्या यह सफाइस होगा? कस्टमर हैज सजेस्टेड दैट इफ वी टेक द वैल्यूएशन एज जीरो बिकॉज ही हैज इन्वेस्टेड सफिशिएंट अमाउंट इन अनदर प्रॉपर्टी, सो initially I have suggested that it is not the correct way to deal with, kindly comment on this also. And write at my mail id manmohanjindal21@gmail.com, my phone number is 8503852224, it also on WhatsApp. You can send your guidance on my both the contact. सो बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।